कच्चे दनीस खा रहे हैं और ये रामसली सॉरी यार मैं लाकर आराम जाकर था। तो गाइस आज ये ट्यूशन नहीं गया क्योंकि इसकी तबीयत खराब थी, इसलिए इसको ट्यूशन ही मम्मा ने भेजा, मुझे भेज दिया ट्यूशन। आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे का जुम्मा का भी लोग आएगा। तो गाइस ऐसा बकर मुझे बोल दे अभी बाबा की भी कॉल आई थी, बाबा से भी बात कर लिया। तो मोहित भाई अभी ट्यूशन जैसे आपको बताया उनके प्री मैथ के पेपर होने वाले हैं, तो मैं अभी पढ़ा दो जगह पढ़ता हूँ, एक मैं अपने काई साहब के पास पढ़ती हूँ, एक शाम को मस्जिद में भी जाती हूँ मगरिब की नमाज पढ़ के साथ ही काई साहब के साथ मस्जिद सॉरी मामा कह रही है मस्जिद में काई साहब के पास भी पढ़ती हूँ और अपने ट्यूशन भी बाजी के पास भी पढ़ता हूँ पारा। तो हाँ दिखाते हैं। तो गाइस ट्यूशन से को बोल लग रही थी, तो मामा ने आज बनाई है अपनी फेवरेट बिरयानी। ओह माय गॉड वाओ। तो गाइस बिरयानी बहुत मजे की दिख तो रही है, खा के आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसी ही लग रही है बिरयानी। चल झूठा डालिया प्लेट में, आप खा के आपको टेस्ट कराते हैं। देखिए ये रही बिरयानी, बाइट लेते हैं इसकी कैसे लग रही है। शामू शामू तूने खाया नहीं? ये क्या तू बंदर वाली हरकतें कर रहा है, ये क्या कर रहा है? तो गाइस इसको छोड़ो, हम करते हैं अपनी बिरयानी टेस्ट। बिरयानी शेरा मेरा चम्मच नहीं गाइस, जब मैं छोटा होता था तो मामा कहती है कि मैं इसी चम्मच से खाया करता था, तो अब मामा ने सामान निकाला तो चम्मच बीच में से निकला। बिरयानी बहुत ही मजे की, खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं, मोहित भाई भी तब तक आ रहे हैं। गाइस सेकंड डे आ चुका है और आज है जुम्मा मुबारक, तो आया जुम्मा तो आप सबको जुम्मा मुबारक। तो गाइस मैं भी रेडी रेडी हो गई हूँ, आज मैंने ब्लू शलवार कमीज पहनी है। तो मोहित भाई अभी पा रहे हैं, शायद वो जुम्मा पढ़ जाएंगे क्योंकि उनके नाइन के पेपर हैं, उनको बहुत सा काम मिला जा रहे हो, तो उनको बहुत सा काम मिला इसलिए। तो मैं रेडी हो गया हूँ, श्री राम भी रेडी हो चुका है, उसको लेके नहीं आना, लेकिन वो मेरे से भी पहले नहा लिया था तो मैंने भी नहा लिया। अब हम जुम्मा पढ़ने जाते हैं, पीछे खुतबा हो रहा है, जुम्मा पढ़ के आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। गाइस मैं आ चुका हूँ जुम्मा पढ़ के, देख सकते हैं जुम्मा पढ़ के आ चुका हूँ। तो अब टाइम हो रहा है 2:00 होंगे, या अभी 2:00 होंगे, 1:50 नहीं यार 2:00 होंगे। तो आगे आज मेरा ट्यूशन में इस्लामियात का टेस्ट था, पहले दो यूनिट का टेस्ट था विद ऑब्जेक्टिव भी थी, तो क्वेश्चन आंसर मैंने याद कर लिया। ये रही मेरी इस्लामियात की बुक जो कि अभी मैंने यहाँ पर रखी है, मैंने इसका पहला यूनिट ये, तो ये तर्जमा उल कुरान हदीस नबी और दुआओं का टेस्ट था। हाँ ये देखें तर्जमा, तो ये रहा पहला हफीज़ुल तर्जुमा, इसका टेस्ट था आज मेरा। नहीं नहीं इसका नहीं था, हदीस नबी का है मेरा एक चैप्टर, ये इसके सवाल जवाब विद ऑब्जेक्टिव भी है और साथ मेरा इसका भी टेस्ट था। ये अगला यूनिट ये इमानत का, ये इसके भी क्वेश्चन आंसर विद ऑब्जेक्टिव। तो गाइस मैंने याद कर लिया और मोहित भाई ये देखें थ्योरम कर रहे हैं मेरे ख्याल से मैथ का, मोहित भाई का भी अस्टैश है, देखते हैं दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन नंबर लाता है। मेरे ख्याल से मोहित भाई लाएंगे क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं और लाइक भी हैं। तो बड़ा हरामी हो बेटा, एक दफ़ा फिर वॉइस कर दूँ, फिर ट्यूशन जाता, फिर ट्यूशन से आके आपसे मिलते हैं। ट्यूशन से आ चुका था, खाना भी खा लिया है और थोड़ा सा ट्यूशन से आके मैच खेला और मैच खेल के फिर अब मैं ऊपर आया। तो गाइस आज का व्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं, श्री राम सो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अब हम आपको मिलेंगे अगले व्लॉग के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।